हेलो सर, प्रियंका है मेरा नेम। सर, मेरे को ना शॉपिंग का बहुत शौक है। मतलब आप ये सोचो कि मेरे को हैबिट्स ही हो गई है। मॉल्स वगैरह जाती हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ लेना है। ब्रांड कॉन्शियस बहुत हूँ। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, चाहिए तब भी लेती हूँ, नई भी चाहिए तब भी ले लेती हूँ। प्रियंका, बड़ा आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि शॉपिंग नाम की एक बीमारी लगी हुई है ना। कुछ चीजें जो चाहिए होती हैं वो भी ले लेती है, जो नहीं चाहिए होती वो भी ले लेती है, नीड नहीं है वो भी ले लेती है। बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है, और ब्रांड कॉन्शियस है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इकट्ठे, इनको मैं समझाना शुरू करता हूं। आपको मैं ये बोलूंगा, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपकी लाइफ के 80% प्रोडक्ट जो आप बाय करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट्स हो सकता है, मोबाइल से लेके, कार से लेके, कपड़ों से लेके, शूज से लेके, जो आप चाहे बेड ले रहे हैं, परफ्यूम ले रहे हैं, 80% अमाउंट आप स्पेंड करते हैं किसके ऊपर, जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं होती, बट आपको ऐसा लगता है कि इसके बिना रह नहीं पाओगे। आपको तो लगता है जरूरत है पर होती नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप लाखों करोड़ों रुपए सेव कर पाएंगे। नंबर वन, मान लीजिए अब से लेकर अगले 20-50 साल आप जिंदा हैं और 1 करोड़ रुपए की शॉपिंग करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से समझ लिया, 50-60 लाख की सेविंग हो जाएगी। आपकी फैमिली के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं, मदर, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, आप बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत फायदा होगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपके पास कोई प्रोडक्ट है इस समय कैरी कर रहे हो आप? हाँ, ग्लासेस। ग्लासेस ना लेके आओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ग्लासेस हैं आपके, वेरी गुड। कौन सा ब्रांड है? गुची। वाओ, सो गुची ब्रांड के ग्लासेस आपने ले रखे हैं। अच्छी लग रही है, लड़की समझदार है ना। अच्छा प्रियंका, मुझे बताओ कितनी कॉस्ट है इसकी? 34,000 की कॉस्ट है। वेरी गुड। अब ये प्रियंका ने क्यों बाय किया उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ आपको। प्रोडक्ट के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट की नीड, और एक और चीज होती है हिडन, वो मैं आपको समझाता हूँ, समझना। प्रियंका, मान लो आपके हाथ में मैंने एक नोकिया का मरा हुआ सा एक पुराना मॉडल आपको पकड़ा दिया, और आप लेके उसे मॉल में जा रहे हैं, फ्रेंड्स के बीच में जा रहे हैं, तो अंदर से कैसा फील होगा आपको? मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बहुत डल फील करूँ। डल फील करेगी, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। मोबाइल अगर डल वाला है या कोई अच्छे ब्रांड के हैंडबैग नहीं है तो क्या आएगा? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, थोड़ा छुपाती फिरेगी उसको, किसी दिख ना जाए, क्योंकि दिख गया अगर ये टूटा हुआ मोबाइल मान लो हाथ में, या पुराना मोबाइल, टूटा पुराना मोबाइल, तो इसको क्या होगा? अंदर से शर्म आएगी। समझ गया हूं। एक सिचुएशन मान लो कोई अच्छा ये वाला, ये आप गुची का आप ये पहन के जा रहे हो, तब कैसा फील होता है अंदर से? सुपीरियर फील करो। सुपीरियर फील होता है अंदर से, क्या आता है? थोड़ा प्राउड फील, प्राउड फील आता है। आपकी जो सेल्फ वर्थ है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये बात आपको समझ में नहीं आती है, मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें समझ में आती है। समझ आ रहा है? अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, मतलब अंदर से कुछ प्रॉब्लम है, अंदर से खाली हो, अंदर से आपको जरूरत पड़ती है बाहर की चीजों के साथ एसोसिएट करने की। अभी क्या होता है, कई बार ना कैटरीना कैफ की ऐड आती है, मान लो कोई हैंडबैग लेके, और वो बार बार आपको दिखाया, तो जब आप वो हैंडबैग लेके चलते हैं ना मॉल से, तो आपको ये फील नहीं आती है कि हैंडबैग है, आपको फील आती है मैं भी कैटरीना कैफ हूं। एक सरफेस लेवल पर सेल्फ इमेज आपकी इनहेंस हो गई है। समझ आ रहा है? सो आप प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ इमेज बाय कर रहे हो, जिससे कि आपकी वर्थ, सेल्फ वर्थ इनहेंस हो जाए। प्रोडक्ट का यूज शायद 2000 के मोबाइल, 4000 के मोबाइल से भी काम चल जाएगा। ये गॉगल 500-1000 रुपए के भी आते हैं, बट ये गॉगल की वैल्यू आपके लिए किस लिए चाहिए आपको? कि आपको चाहिए कि आपकी वर्थ इंप्रूव हो जाए। सोचो ना, पूरी जिंदगी यही करते रहते हैं, और इसको खरीदने के लिए आपकी अंदाजन सैलरी कितनी होगी? 70-80। मान लो पूरा महीना 15 दिन की सैलरी इसने एक ग्लास के ऊपर लगा दी। सो सुबह उठी, दिल्ली जैसे पॉल्यूशन वाले इलाके में तैयार हुए,
ट्रैफिक में धुआं लेते हुए 4-8-10 घंटे काम किया और थकी हारी घर गई, 15-20 दिन इसने मेहनत करी और ये लेके आ गई। अच्छा, जब ये लेके आ गई तो सेल्फ वर्थ इंप्रूव हुई, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया, चलो वेरी गुड, तो अब लेना बंद कर देगी? अगर हो जाता, लेने से एक अंदर से भर जाती है तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है ना। इसने बोला शॉपिंग कंटिन्यूसली कर रही हूं क्योंकि अंदर से तो खाली है। ईगो की इश्यू ये है कि ईगो को सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ऐसी चीजों से, वो मिलता है टेम्पररी, घंटा, 2 घंटा, 10 दिन। मान लो यही गुची वाले आपके गॉगल्स, आपकी 10 सहेलियां बैठी हैं, आप अकेले हो तो कैसा आएगा? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। मान लो 10 की 10 लड़की के पास गुची है, तब फिर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इट इज जस्ट आइडेंटिटी इनहेंसर, सेल्फ वर्थ के लिए आप यूज कर रहे हैं, इससे होगा नहीं। कैंसर का सेल आपको पता है? कैंसर का सेल का नेचर ये होता है कि अपने आप को सेल्फ मल्टीप्लाई करता रहता है, मोर बढ़ता रहता है और जिस भी ऑर्गन के अंदर होता है उसको खराब कर देता है, डिसफंक्शनल कर देता है। ये जो आपकी ईगो है, इसकी आइडेंटिटी एक प्रोडक्ट से काम नहीं चल रहा है, इसे चाहिए मोर 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 और चाहिए। एक से तो सेटिस्फेक्शन मिला नहीं ना, मोर 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 मतलब डिसफंक्शनल है, आपकी पूरी लाइफ को डिसफंक्शनल करके रखेगी। आप जिंदगी के आखिर दिन में खड़े होगे और आप तब भी खाली महसूस कर रहे होगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स को आप बाय नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ इमेज बाय कर रहे हो। इन प्रोडक्ट्स से होता क्या है, आपको ऐसा महसूस होता है आपकी इमेज बेटर हो रही है, या लोगों की नजर में आपकी इमेज बेटर हो रही है। दोनों बीमारी हैं, जैसे कैंसर के सेल है ना, वैसे ही सेल है। ये माइंड के लेवल पे, ये ईगो के लेवल पे है। इसका असर कब टूटता है, बस आपको मेरी ये बात समझ में आ जाए कि यार ये मैं प्रोडक्ट नहीं बाय कर, मुझे प्रोडक्ट बाय करना है जिसकी मुझे जरूरत है, मुझे आइडेंटिटी इनहेंस करने के लिए नहीं चाहिए, लोगों की नजर में अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए नहीं चाहिए। लाखों रुपए बचा सकते हो आप, ट्रस्ट मी बेटा। आपको जो कंपनीज हैं, ये बिजनेसेस हाउस हैं, आपको इंसान की तरह नहीं समझते हैं, वो आपको कंज्यूमर की तरह समझते हैं। आपकी ये वीकनेस उन्हें पता है, नए नए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स, उनकी इमेजेस वो आपके सामने हाईलाइट करते हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस के थ्रू, और आपको लगातार कंज्यूम करते रहने के लिए कंडीशन कर देते हैं। आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है मतलब, तो आप उस कंडीशनिंग से बच सकते हो, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हो, नीड बेस्ड चल सकते हो, दुनिया भर का टाइम एनर्जी सेव कर सकते हो। आपको अपनी सेल्फ वर्थ इंप्रूव करनी है, सिर्फ एक ही तरीका है, मैं हर वीडियो के अंदर यही बोलता हूं, मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन करेंगे तो अंदर से खोखलापन जो है आपका भर जाएगा, किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, अंदर से बैठे बैठे सेल्फ फुलफिलमेंट आ गया, सेटिस्फेक्शन आ गया। बात समझ में आ रही है? आपको क्या करनी पड़ेगी, मेडिटेशंस। वैसे मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, ये बीमारी आपको भी हो सकती है, आपके फैमिली में भी हो सकती है। सिर्फ जैसे होता है ना अंधेरा, अंधेरे का इलाज सिर्फ एक ही है, 10 साल से अंधेरा है, बट वो अंधेरा एकदम, उसको 10 साल नहीं लगेंगे अंधेरे को गायब करने में, एक बिजली का बटन जलाया, लाइट जली और अंधेरा गया एक सेकंड में। अगर आपको सिर्फ रियलाइजेशन हो रहा है मेरी बात से कि सेल्फ इमेज इनहेंस करने के लिए प्रोडक्ट नहीं बाय करना है, यूज के लिए बाय करना है, नीड के हिसाब से बाय करना है, सो अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो मनी वेस्ट करके नहीं आओगे। अपना टाइम आपने बर्बाद किया पैसा कमाने में, अपनी एनर्जी बर्बाद की पैसा कमाने में, और जाके कुछ खरीद के ले आए सेल्फ इमेज जो कि हुआ भी नहीं, टेम्प्रेरी था जिसका असर। मेरी बात समझ में आ गई आपको? वैसे ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, बहुत फायदे की बात की है, लाखों करोड़ों रुपए आपके बच सकते हैं। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, प्लस मेडिटेशन की कुछ गाइडेड मैंने वीडियोज बना रखी है, गाइडेड मेडिटेशन 5-7-10 दिन प्रैक्टिस करके देखो, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उससे साइंस समझ लीजिए। 5-7-10 दिन 20 दिन आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लाइफ टाइम आपको फायदा होगा,
थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए जोरबा डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।